खबर लाया था। छपरी कही के एक रूमी ना बिल्कुल रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडी खपरी नाम है मेरा, खपर सबकी रखती हूँ। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार सी खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय गवाए आपको लेकर चलते हैं बॉलीवुड के सुहाने से सफर की ओर। अभिषेक बच्चन ने अपने काम के बारे में बॉर्डर लाइन होने की बात कबूल की, कहा लोग इसे आत्मविश्वास की कमी कहते हैं। जी हाँ, हाल ही में अभिषेक बच्चन ने अपने फैंस और आलोचकों के लिए एक लंबा नोट शेयर किया है। अभिनेता ने कहा कि वह अपनी फिल्मों के बारे में बोलने के लिए बहुत मितभाषी रहे हैं और यहाँ तक कि अपने काम के लिए सीमा रेखा माफी भी महसूस करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं और आने वाली फिल्म 10वीं के बारे में माफी मांगना चाहते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर अपने नोट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैं आप सभी के साथ 10वीं को शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। यह मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं वास्तव में इस फिल्म में विश्वास करता हूं, जो भी यह कहना चाहती है। फिल्म को मनोरंजक बनाने के साथ एक इस तरह का मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना जिसके बारे में आप सभी सोचें, मुझे बहुत खुशी देता है। मुझे आशा है कि इसका आप पर भी समान प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने आगे लिखा, मैं हमेशा से अपनी फिल्मों के बारे में बोलने में बहुत खामोश रहा हूं, लेकिन मैं इन सभी धारणाओं को बदलना चाहता हूं। मैं अपनी फिल्मों को लेकर शर्मिंदा महसूस नहीं होना चाहता। मैंने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और उम्मीद करता हूं कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई होगी। दोस्तों और परिवार वालों के साथ यह फिल्म आप देख सकते हैं। मुझे हमेशा कहा गया है कि काम को बोलने दो। मुझे लगता है कि 10वीं भी यही करेगी। मुझे लगता है कि 10वीं अच्छा करेगी। मैं भी इस फिल्म के प्रति अपनी पॉजिटिविटी को जाहिर करना चाहता हूँ। यह कहकर उन्होंने नोट खत्म किया कि बहुत हो गया, अब टाइम आ गया है फ्रंट फुट पे खेलने का। फिल्म 10वीं की बात करें तो यह 7 अप्रैल को जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अभिषेक ने 10वीं में गंगाराम चौधरी की भूमिका निभाई है, जो जेल में बंद एक अपराधी लगते हैं और शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। कॉमेडी फिल्म में निमृत कौर, मुख्यमंत्री बिमला देवी और यामी गौतम आईपीएस अधिकारी ज्योति देसवाल के रूप में दिखाई देंगी। तो शार जलोटा फिल्म के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे रितेश शाह ने लिखा है। खैर इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बता दें कि बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी ही चटपटी और मसालेदार सी खबरें हम लगातार यूं ही आप तक लाते रहेंगे। तो ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जरूर बने रहिएगा ओटीटी इंडिया के साथ, रग रग में हिंदुस्तान।